श्री शेष सनातन जी अतिशय प्रसन्न हो गए। अतिशय प्रसन्न होकर नर हरिदास जी से कहा, ये बालक को मुझको दे दो, ये जगत का कल्याण करेगा, मैं अपने द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान को इसको दे दूंगा। अब तो गोस्वामी जी शेष सनातन जी के सानिध्य में पल बढ़ रहे हैं। स्वामी जी ने ही अंत्येष्टि करी, उसके बाद सोचा कि अब मैं किसके सहारे इस जीवन को आगे बढ़ाऊं। वैष्णव का यही धर्म है, वो कभी भी स्वच्छंद नहीं चलता, वो सदा सदा किसी ना किसी संत गुरु के सानिध्य में रह के ही भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। सोचा स्वच्छंद चलना जीव का धर्म नहीं है, किसी संत की शरण में किसी संत के अनुगत्य से ही जीवन की यात्रा करनी चाहिए। अब श्री शेष सनातन गुरुदेव शिक्षा गुरुदेव मेरे चल बसे हैं, अब मैं किस संत के सानिध्य में जाऊं, आगे का जीवन किसकी आज्ञा अनुसार बिताऊं। तब चिंतन करा तो सोचा कि चलो चित्रकूट में श्री गुरुदेव भगवान विराजते हैं, श्री नर हरिदास जी उनके समीप ही चलता हूँ और आगे के जीवन को धन्य करता हूँ। जब चलने लगे चित्रकूट, मध्य मार्ग सूचना मिली, गुरुदेव लीला सन्मरणी, अति दुख पाए विचार करी, ही सूचना मिली कि दीक्षा गुरुदेव श्री नर हरिदास जी ने भी अपनी लीला का स्मरण करके दिव्य साकेत को धाम को गमन कर चुके हैं। अब तो वो स्वामी जी टूट गए, इधर शिक्षा गुरुदेव चल बसे, उधर श्री दीक्षा गुरुदेव भी धाम पधार गए। अब किसके सहारे आगे चलूं? तो चूंकि मग में थे, इसी मग में हम सुन चुके हैं चित्रकूट और काशी प्रयाग के बीच में ही पश्चिम दिशा में ही राजापुर ग्राम है, तो सोचा जब यहाँ तक आ गए तो समीप में ही हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि अति पावन होती है, जन्मभूमि के प्रति ऋण होता है मानव का, एक जीव का ऋण होता है जन्म भूमि के प्रति, तो चलो आज अपनी जन्मभूमि की ओर चलते हैं। मध्य मार्ग सूचना मिली, गुरुदेव लीला सन्वरणी, अति दुख पाए विचार
विचार करी पग भाड़त जन्म की हरी। अब तो तुलसीदास जी कहा करते थे कि आज के समय में इतने राजापुर ग्राम प्रकट हो गए, सब लोग अपने अपने तर्क देते हैं, विवाद छिड़ता है, गोस्वामी जी तो हमारे यहाँ आए थे, यहीं प्रकट हुए थे, यहीं जन्म हुआ था, यहीं आए, गोस्वामी जी तो हमारे हैं, सब अधिकार दिखाते हैं कई गांव के लोग। और भक्त वाणी जी कहते थे जब गोस्वामी जी विराजते थे तो यही वो राजापुर के ग्राम है जो दरवाजा बंद कर देते थे देखकर। आज लड़ते हैं कि गोस्वामी जी तो हमारे थे, और जब गोस्वामी जी विराजते थे तो कहते थे कि छाया भी पड़ जाएगी तो पतित हो जाएंगे। गोस्वामी जी को धक्का मार के निकाल लिया गया था, इसलिए जब जीते जी आदर नहीं करा तो मरने के पश्चात आदर करने से क्या होगा। राजापुर ग्राम पहुंचे, कोई नहीं इनको पहचाना, कोई नहीं इनको पहचाना, विद्वान अति आए सब जाना, विद्वान अति आए सब जाना, पूछत गाँव के लोग तमाम, पूछत विद्या ज्ञान से परिपूर्ण है तो सब सोचे कोई बहुत बड़े विद्वान आए हैं हमारे गांव में। पूछने लगे, आपका क्या नाम है, कहां से पधारे हैं, हे भगवान आप किस काजे से यहां आए हैं, क्या कारण है, क्या नाम है और कहां से आए हैं आप। तब गोस्वामी जी बोले, तुलसी देवी मातु मम पिता सब चौंक गए, अरे आप जीवित हैं, हम तो सोचते थे कि संपूर्ण कुल का विनाश हो गया है, सब खत्म हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए, आ उनके कुल में कोई तो जीवित है, अभी भी कोई एक आशा टिकी है। पूछा मेरा घर कहाँ है, सब मेरे परिवार के सब लोग कहाँ है, तब बताया कि जब आपकी चनिया माता मरी थी और गांव से खबर आई थी, याद है, भेजा था तो आत्मा राम जी ने कहा था मेरा कोई नहीं है नाता, मैं कहूं जन्मे ते ही मर जाता, उसका कोई ना हो अन्नदाता, तो आत्मा राम जी ने आपके पिता ने उसको कह के तिरस्कृत कर दिया था, मेरा कोई मतलब नहीं है। उस समय कोई बहुत दिव्य संत इस गांव में आए हुए थे, उन्होंने सुना तो उन्होंने आपके पिता को श्राप दे दिया कि आपके संपूर्ण कुल का विनाश हो जाए। तो 6 महीने बाद ही आपके पिता की मृत्यु हो गई और 10 वर्ष के अंदर अंदर ही आपका संपूर्ण कुल का विनाश हो गया। लेकिन आज आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, अब भी हमें एक आशा बच रही कि इस परिवार में एक ज्योति जगमगा रही है। चली है जा
जैसा बीज बोया था तो वैसा ही फल निकलेगा। सब खत्म हो गए। अब आपसे विनती करते हैं, आप कहीं बन जाइए, आप इस धरनी को अब पावन कीजिए, यहीं पे विराजिए, हम सबको सत्संग का लाभ दीजिए। बहुत बहुत अनुने विनय करा तो गोस्वामी जी ने ग्राम वासियों की इस बात को, इस अर्जी को स्वीकार कर लिया। स्वीकार आग्रह कर राजापुर में नित सत्संग सुनायो, वास करत संवत 1583 चली आयो। वहीं निवास करने लगे और समय बीतता गया बीतता गया। नित्य सत्संग सुनाते हैं, दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। संवत 1583 आ गया, यानी कि गोस्वामी जी की आयु हो गई है 29 वर्ष। 1554 में आए हैं और अब 1583 संवत आ गया। अद्भुत सत्संग की महिमा, ऐसा सत्संग करते हैं गोस्वामी जी, जो सुनता है भाव विभोर हो जाता है। अब तो जगह जगह चर्चा फैल गई है। अद्भुत सत्संग की संबंध जुड़ जाए तो मेरी बेटी आनंद से भर जाएगी, उसका जीवन सुधर जाएगा, निश्चितः भगवत प्राप्ति कर लेगी। उसके समान जैसी मेरी पुत्री है, उसके समकक्ष मुझे कोई और नहीं दिखता, मुझे तुलसीदास जी ही बिल्कुल उपयुक्त वर दिखते हैं। यमुना पार विप्र भरद्वाजा सत्संग सुनत हरस मन साजा, मम रत्नावली रतन समान, दास तुलसी सम संत महान, जो जुड़ी हो संबंध विधान। पुरवासी संग चर्चा हुई, सब दीन ही यह राय, अति उत्तम संबंध जुड़े जो तुलसी मान यह जाए। सब
की। सबने कहा बड़ा सुंदर संबंध हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुलसीदास जी माने तो सही इस बात के लिए, अगर तुलसीदास जी मान जाए तो ये बड़ी दिव्य बात हो जाएगी। आप तुलसीदास जी से आग्रह करोगे अगर गोस्वामी जी मान गए तो बड़ी सुंदर बात। आपकी बिटिया तो हम जानते हैं बहुत दिव्य विचारों की है, गोस्वामी जी के लिए बिल्कुल उपयुक्त वधु है। अब तो आए ब्रज एक कन्यादान इत उत भटकी तहां, की आयो तहां मध्य ग्राम राजापुर कथा वाचत रहे तुलसी जहां। सब विधि सुयोग्य कुमार लखी सुनी विप्र को हुल स्यो हियो, वरने सुदाहित दास तुलसी से विनय अनुने कियो। द्विज एक कन्यादान हित इत उत भटकी आयो तहां, सब जगह ढूंढ चुका था लेकिन अपनी कन्या के योग्य कोई वर नहीं दिखता था। अब वो स्वामी जी के पास आया तो मध्य ग्राम राजापुर कथा वाचत रहे तुलसी जहां, सब विधि सुयोग्य कुमार लखी सुनी विप्र को हुल स्यो हिया। हृदय में प्रसन्नता हो गई, ये तो सब विधि सुयोग्य है मेरे पुत्र के लिए, वरने सुता हित दास तुलसी से अनुनय विनय किया। अब तो कि मेरी पुत्री का पानी ग्रहण संस्कार हो आपके साथ, तो उनसे विनती करने लगे। तब गोस्वामी जी बोले तुलसी कहत है वे प्रवर नहीं चाह अच्छा सुयोग्य वर कुल ग्रह देखकर परिवार देखकर अपनी इस दिव्य कन्या का विवाह कीजिए, मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं हूं क्योंकि मुझ में क्षमता ही नहीं है परिवार चलाने की। लेकिन विप्र माने नहीं, बोले अब तो आपके संग ही इसका ब्याह होगा तो होगा, वरना यहीं पे प्राण त्यज दूंगा, धरना दे के बैठ गया। तुलसी कहे है है आप जो हैं भोले बाबा के मंदिर में जाके विनती करो, उनको मना लो, अगर उन्होंने गोस्वामी जी को संकेत कर दिया, आदेश कर दिया, आज्ञा कर दी तो फिर ये मना नहीं करेंगे। मिलीग्राम के सब
आप विवाह कर लो, सुयोग के कन्या है, आपको भजन में सहायक होगी, वादक नहीं होगी, आप चिंता मत करो, आपके सब कार्य सुधर जाएंगे, आपको कुछ नहीं, आप भजन में लीन रहना, बहुत सुयोग्य कन्या है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। लेकिन वो स्वामी जी नहीं मानते हैं, संकोच पाने लगे हृदय में, अरे सबके सब पीछे पड़ गए, कैसे मना करूं। उधर कन्या का पिता भोले बाबा के दरवाजे द्वार पर धरना देकर बैठ गया, आप अब कुछ करो, और मेरी बेटी का ऐसा ऐसा दिव्य संबंध जुड़वा दो, अब आप जानो आपका काम जाने, हम तो आपके द्वार से उठेंगे नहीं। उसने वहां विनती लगाई है। देखिए गोस्वामी जी के विवाह प्रसंग को, एक खटपट नहीं करो, गोस्वामी जी के विवाह प्रसंग को बहुत एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, नहीं तो मन ऐसा ऐसा गलत गलत विचार दिमाग में ले आएगा कि पतन हो जाएगा आपका। इसलिए बहुत एकाग्रचित होके सुनिए, इधर उधर की बात सब छोड़ दीजिए, बस चरित्र में डूब जाइए, क्या हो रहा है राम जी के पास। अब गोस्वामी जी को सब मनाने लगे, उधर शंभू के दरबार पे ब्राह्मण देवता विनती करने लगे, प्रभु आशुतोष, प्रभु आशुतोष शिव शंभू मनोरथ, कभी उधर उलझता था कि कोई तो मेरी बेटी के योग्य वर दिखे,
बहुत दिना ते अटकत बतकत आज परम निधि पाई आज मिले हैं। अब तो बेटी मिली रत्नावली जैसी अब बस तुलसी ले जवाई। अब आपसे ये इच्छा है और कहा विश्वास ये है दुर्लभ कछु नाही कुछ भी असंभव नहीं है जो तुम करुणा कोर निहारे हे बोले बाबा अगर आप कृपा करोगे तो कुछ दुर्लभ नहीं है। कैसे नहीं मानेंगे स्वामी जी अगर आपकी कृपा हो जाए। हे अन्नपूर्णा मैं टाले से कल जाऊंगा